वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने। दोस्तों, मेरे किसी सब्सक्राइबर का एक सवाल आया था, उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया कि सर फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे किस तरह से ग्रो किया जाए। सब कुछ करके देख लिया, अभी सब कुछ क्या क्या करके देख लिया ये तो आपने बताया नहीं, बट स्टिल आपके कहने का मतलब ये होगा कि ठीक है ऐड रन करवा लिए, लिस्टिंग किसी और से करवा ली अच्छी से अच्छी, या ठीक है रेट कम करके देख ली, डिस्काउंट्स ऑफर देके देख लिए, फिर भी आपके ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, जितना मैं समझ पे आपका सवाल अधूरा था। और दूसरी चीज, आप जो बोल रहे हो ना कि अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो पर कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है ये सवाल अधूरा है। दोस्तों क्या होता है कि हर प्लेटफॉर्म हर पोर्टल की अलग स्ट्रैटेजी होती है ग्रो करने की। अमेजोन पे अलग तरीके से ग्रो किया जाता है, फ्लिपकार्ट मीशो इन पे अलग तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अमेजोन पे ग्रो करना, आपको अमेजोन पे ग्रो करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू पुट मनी इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और स्लो होती है वहाँ पर ग्रोथ, सस्टेनेबल होती है लेकिन स्लो ग्रोथ होती है। तो अमेजोन पे आपको पैसा डालना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट अच्छी खासी करनी पड़ेगी, अच्छे एड कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, तब धीरे धीरे उस पर ऑर्डर आना शुरू होंगे, तब प्रोडक्ट पे आपकी अमेजोन पे अच्छी जगह जाए, अमेजोन पे अच्छी रैंकिंग आने लगी आपके प्रोडक्ट की, तब ऑटोमोट पे सिस्टम होगा, तब ऑर्डर आना शुरू होंगे। फ्लिपकार्ट मीशो पे अलग चीज़ होती है, वहाँ पर आपको स्टॉक रखना पड़ता है। ठीक है, क्वालिटी मीशो का तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, वरना क्योंकि रीसेलिंग बिजनेस है, आप रिटर्न में बर्बाद हो जाओगे। तो हर पोर्टल पे आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने की अलग स्ट्रैटेजीज होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट मीशो पर आपको स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है वैराइटीज ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अमेजोन पर आप कम प्रोडक्ट्स के साथ भी आप ग्रो कर सकते हो, हुआ है ऐसा, कितने लोगों ने ग्रो किया कम प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है टाइम टू टाइम जब जब जरूरत लगती रही, एडवर्टीजमेंट एड कैंपेन रन करते रहे, प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी हुई, ऑटो मोड पे हो गया, ऑर्डर्स आने लगे, ऑर्गेनिक सेल्स आने लगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अमेजोन पे आप कम ऑर्डर्स कम प्रोडक्ट के साथ भी ग्रो हो सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इधर फ्लिपकार्ट मीशो इन पे इनका एल्गोरिदम अलग होता है, अमेजोन का एल्गोरिदम A9 एल्गोरिदम होता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट मीशो का एल्गोरिदम अलग तरीके से काम करता है। देखिए अमेजोन पे कैसे ग्रो होना है, ज़्यादा ऑर्डर लाने, ज़्यादा सेल्स लानी है, और मीशो पर कैसे ग्रो होना है, ज़्यादा ऑर्डर ज़्यादा सेल्स लानी है, या इनमें से कौन सी वेबसाइट बेटर है, इनके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे डिटेल वीडियो। ठीक है, उनके लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए उन वीडियोज़ को। आपको मैंने जो ये जवाब एक्सप्लेन किया उसको प्रूफ के साथ समझने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ डिटेल में समझाया, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा उसका एक जवाब देना चाहा दोस्तों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाइए उन वीडियोज़ को देखिए, मेरा जो जवाब मैं देना चाहूँगा आपको समझने में मदद मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।